इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के रिसर्च के हवाले से दावा किया जा रहा था कि नवंबर में कोरोना अपने चरम पर होगा, लेकिन ICMR ने इसे भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि शोध को मीडिया रिपोर्ट्स में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ ICMR ने कोरोना टेस्टिंग के लिए एक ऐसे तरीके को मंजूरी दे दी है जिससे सिर्फ आधे घंटे में ही टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। 15 जून को ICMR ने एंटीजन टेस्टिंग किट्स को मंजूरी दी जिसका इस्तेमाल कंटेनमेंट जोन में किया जा सकेगा। अगर इस टेस्ट के द्वारा कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में RT-PCR के जरिए ही टेस्ट होता है। इस प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे लगते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का टाइम अलग। इस वजह से अगले 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट मिल पाती है। लेकिन अब ICMR ने रैपिड एंटीजन किट्स के इस्तेमाल की अनुशंसा यह करते हुए कर दी है कि इसके नतीजे भी सटीक होते हैं। स्टैंडर्ड क्यू COVID-19 AG जांच किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान का पता लगाने के लिए एक रैपिड क्रेमेटोग्राफिक इम्यूनोएसे है। ICMR ने कहा कि रैपिड एंटीजन जांच द्वारा जिन संदिग्ध व्यक्तियों में COVID-19 नहीं पाया जाता उनमें बाद में इसकी संभावना को पूरी तरह खत्म करने के लिए RT-PCR जांच कराई जानी चाहिए, जबकि जिन लोगों में एंटीजन जांच में संक्रमण की बात आ जाती है उन्हें वास्तविक संक्रमित माना जाना चाहिए और उनमें पुनः पुष्टि के लिए RT-PCR जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस जांच के नतीजे 15 मिनट में देखे जा सकते हैं और इसके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ICMR ने कहा कि संक्रमित होने या नहीं होने की जानकारी अधिकतम 30 मिनटों में प्राप्त हो जाती है और उसके बाद जांच में इस्तेमाल हुई जांच स्ट्रिप को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी देश में औसतन 1.5 लाख टेस्ट रोज किए जा रहे हैं जिनका रिजल्ट अधिकतर 24 घंटे में सामने आ जाता है, लेकिन अब जल्दी नतीजे आने से टेस्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। हाल ही में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कम टेस्टिंग के लिए फटकार लगी थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।